नमस्कार, जय हिंद। तो सबसे पहले बात करने वाले एमसी स्टैंड के बारे में। तो एमसी स्टैंड को लेकर कुछ लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका जो शो है ना उसको कैंसिल कराने के लिए। तो इसी को लेकर यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स वगैरह यहाँ पर बताया जा रहा है कि एमसी स्टैंड का यहाँ पर नागपुर के अंदर में सूराबड़ी दुग्ध धामना नाम का एक प्लेस है अमरावती रोड पे, वहां पर उनका जो यहाँ पर शो होने वाला जो की 18 मार्च यानी कि कल होने वाला है, जिसको लेकर यहाँ पर बजरंग दल के कुछ लोगों के थ्रू यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बजरंग दल के लोगों के थ्रू यहाँ पर क्राइम ब्रांच को यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट की गई, जिसमें की जो एमसी स्टैंड का जो शो है ना उसको कैंसिल कराने की मांग की गई। ऐसा उन्होंने क्यों कहते हैं जा रहा है कि एमसी स्टैंड अपने जो गाने हैं ना उसमें यहाँ पर अश्लील भाषा का यूज करते, गालियां वगैरह देते हैं, और तो जितने में नशीले पदार्थ है तो उनका यहाँ पर सेवन भी करते हैं, उसका प्रचार भी करते हैं, जिसको लेकर जितने भी बच्चे हैं उन पर गलत प्रभाव पड़ता है, इसलिए यहाँ पर बजरंग दल के लोगों के थ्रू किया गया है। बाकी इस चीज के ऊपर नागपुर पुलिस के थ्रू अभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आता है मैं आप सभी के साथ में जरूर शेयर करूंगा। तो चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। सभी बात कर रहे हैं धूम 4 मूवी के बारे में। तभी आपको बताओ थोड़े टाइम पहले यहाँ पर कुछ रूमर्स निकल के आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि धूम 4 मूवी के अंदर में शाहरुख खान होने वाले हैं। देन उसके बाद क्या हो, धूम 4 मूवी के जो डायरेक्टर है ना सिद्धार्थ आनंद, उनका यहाँ पर इंटरव्यू पर उनसे पूछा गया इसके बारे में, उन्होंने बोला ये सारी चीजें बकवास है, मतलब ये फेक रूमर्स है, शाहरुख खान वगैरह नहीं होने वाले धूम 4 में। तो चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। सभी बात कर रहे हैं भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम ने अपने ताजा खबर ढिंडोरा की सीजन 2 को लेकर अपने नए वीडियो को लेकर कुछ अपडेट्स दिए हैं। तो कहते हैं भुवन बाम कहते हैं यहां पर कपिल शर्मा की एक मूवी आने वाली जुगाड़, उसके प्रीमियर पे इसी का यहां पर वायरल बॉलीवुड के ऊपर एक वीडियो है, वहां पर इस चीज के बारे में पूछा जाता है। ताजा खबर वेब सीरीज उसका ढिंडोरा का सीजन 2 कब तक आ सकता है, फिर उनका नया वीडियो कब आएगा, जिसको लेकर भुवन बाम ने क्या कहा आप खुद यहां पर देख सकते हो। नहीं यार, अभी मैं सोच रहा हूं थोड़ा कम ही बात करूं उसके बारे में, क्योंकि अभी लिख रहा हूं मैं, और अभी ताज़ा भी लिख रहा हूं, ढिंडोरा भी लिख रहा हूं, तो अभी लिखावट का काम बहुत है, बाकी यूट्यूब पे वीडियो आती रहेगी। तो चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। सभी बात कर रहे ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी ने एक बड़ी कंपनी के बीच में लीगल बैटल हो चुका है। तो ये आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा, ध्रुव राठी ने भी थोड़े टाइम पहले यहाँ पर जितने भी फ्रूट जूस रहते ना, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स रहते, उसको लेकर वीडियो निकाला था अपने चैनल पे। इसी वीडियो को लेकर ध्रुव राठी ने डाबर कंपनी के बीच में लीगल बैटल हो चुका है। तो डाबर कंपनी यहाँ पर चले गए थे कलकत्ता हाई कोर्ट में, उन्होंने यहाँ पर एक अर्जी डाली है ध्रुव राठी को जो वीडियो था ना उसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि ध्रुव राठी ने यहाँ पर अपने वीडियो में जितने भी फ्रूट जूस के पैकेजेस रहे उनमें काफी सारे एलिगेशन वगैरह लगाए थे, जो कि डाबर कंपनी के यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं लगा। डाबर कंपनी का ये कहना कि ध्रुव राठी ना इनडायरेक्टली उनकी जो कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से ध्रुव राठी को यहाँ पर एक नोटिस गया है, ध्रुव राठी को उस वीडियो के उस पार्ट को यहाँ पर रिमूव करने के लिए कहा गया है। टोटल 7 दिन का टाइम दिया, 7 दिन के अंदर उनका जो पार्ट था ना वीडियो को उसको यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा। इसको लेकर काफी सारे आर्टिकल्स, अगर आप आर्टिकल वगैरह रीड करना चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगली अपडेट भी हमारे ध्रुव राठी के बारे में ही है। ध्रुव राठी ने रिएक्ट किया जितने भी उनके ऊपर हेट वीडियो वगैरह बनते हैं उनके ऊपर। ध्रुव राठी ने कल अपने यूट्यूब चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो निकाला था, एंड उसी वीडियो के बीच में वो रिएक्ट करते जितने हेटर्स उनको लेकर, तो उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप यहाँ पर आप देख ही सकते हो। क्योंकि दोस्तों मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारों में, दूर दूर तक के रिलेटिव्स में कुछ सिंगल इंसान तक नहीं है जिसका पॉलिटिक्स से कोई भी रिश्ता हो, जीरो पॉलिटिकल कनेक्शन। ये बात उन लोगों के लिए जरूरी है जो मेरे बारे में अफवाह फैलाते हैं कि मेरा इस पॉलिटिकल पार्टी से रिलेशन है, मेरे परिवार का कोई सदस्य इस पॉलिटिकल पार्टी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2011 से पहले तो मुझे खुद जीरो इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में। तो चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। सब बात करूंगा UK07 राइडर के बारे में। राइडर आने वाला संदीप महेश्वरी शो में, इसी के बारे में अपने रिसेंट ब्लॉग में यहाँ पर अपडेट दिया, जो कि आप देख ही सकते हो। आप लोग कमेंट कर रहे थे ना उस टाइम पहले कि बाबू भैया हम लोगों को आपको एक शो में देखना है, तो उस शो का इनविटेशन आ चुका है मेरे को, एंड गेस कौन से शो में जा रहे हैं आपके बाबू भैया। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशनल शो इन इंडिया। तो चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। सभी बात कर फ्लाइंग बीस के बारे में। तो फ्लाइंग बीस ने यार थोड़ा सा ट्रोल किया अजय देवगन को। तो यहाँ पर फ्लाइंग बीस गए थे गोवा, एंड वहीं पर जो यहाँ पर विमल के बिलबोर्ड्स वगैरह लगे रहते हैं, वहीं पर यहाँ पर थोड़ा सा ट्रोल करते हैं अपने इंस्टाग्राम को, जो स्टोरीज वगैरह शेयर की उन्होंने अजय देवगन को लेकर, जो कि आप देख ही सकते हो। आप लोगों को पता है दृश्यम में अजय देवगन गोवा के आता है सत्संग में, क्योंकि यहाँ विमल मिलता है, विमल। तो चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। सभी हम बात कर रहे हैं गमला चोर के बारे में। दिया से जो इंसिडेंट यार फिर से हो चुका है, जिस किसी को नहीं पता मैं बता दूं, अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ पर G20 के जो वेन्यू के वहां से कुछ गमले चोरी हो गए थे, वहाँ पर इल्विस यादव का नाम आ गया था, ऐसा इसी यहाँ पर फिर से एक हो गया है। तो यहाँ पर अभिषेक आनंद ने एक ट्वीट किया था, यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया था, यहाँ पर वीडियो भी आप देख ही सकते हो, एंड उन्होंने यहाँ पर लिखा BMW वाले देर रात अपराध को कैसे अंजाम देते हैं, देखिए नागपुर में भी गुड़गांव जैसा कांड हो गया, G20 के गमले सस्ते सस्ते अमीर लोगों ने उठा लिए, इस घटना में इल्विस यादव को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, #इल्विस यादव भी यूज नहीं करना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। सब बात करना थगेश के बारे में। तो क्या आपको पता है थगेश शो के ऊपर जितने भी गेस्ट आते हैं उनको यहाँ पर क्या थगेश पैसा पे करते हैं आने के लिए। तो आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा थगेश शो का जो थर्ड एपिसोड था वहाँ पर ट्रिगर इंसान ने फुकरा इंसान गए थे, एंड इसी को लेकर उन्होंने यहाँ पर एक डिम्पल मल्हान व्लॉग चैनल पे एक व्लॉग वीडियो अपलोड किया, एंड वहाँ पर इस चीज के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो की छोटी सी क्लिप यहाँ पर आप देख ही सकते हो। गया अब तो, अब क्या लेगा घर जाने का? पेमेंट तो नहीं मिलने वाली, पेमेंट तो नहीं मिलने वाली। थगेश भाई पैसा
भाई कह रहे हैं आप कौन? हाँ भाई पैसे नहीं, वीडियो का बंदेज लाइक मारेगा वीडियो पे। पैसे का तो पता नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं आपको क्या चाहिए? वीडियो का बंदेज। इंटरेस्ट एक बात बता, मुंबई से फ्लाइट की टिकट लगा के खुद से हम यहाँ पर आए हैं, हमें तो कुछ नहीं मिला, एक बार विकेट डब्बा दे दिया भी उसकी भाई लेगा, उसके भी पैसे लेगा, हमें क्या मिलेगा? तो दोस्ती मिलेगी मेरी। तो चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। सब बात कर ले आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी अभी कुछ रिसेंट में आई सुपर हीरोज मूवी को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड एसएससी को लेकर यहाँ पर उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे। बेड टाइम फॉर सुपर हीरो मूवीज आई गेस, फर्स्ट लव एंड थंडर, ब्लैक एडम फॉलोड बाय एंटमैन एंड नाउ शाज़ाम, व्हाट हैपनिंग। जैसे अभी अपन जितने भी मूवीज वगैरह आ रहे उतने सही ढंग से यहाँ पर नहीं आ पा रही, इसी को लेकर यहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया था। एंड इसी ट्वीट के यहाँ पर रिप्लाई करते हैं पीजे एक्सप्लेन ने लिखा, प्रॉब्लम यह है कि हम बड़े हो गए मगर ये मूवीज वही रह गई। तो चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। सब बात कर ले मनोज जय के बारे में। मनोज जय यूट्यूब की इस चीज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस चीज को लेकर हम उन्होंने एक ट्वीट किया था। मनोज जय ने अपने व्लॉग वाले चैनल पर यहाँ पर एक व्लॉग डाला था, उनका जो शादी वाला व्लॉग था उसको, इसी को लेकर उन्होंने बताया कि उनके जो इस व्लॉग पे ना ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज यहाँ पर 12 घंटे के अंदर में आ गए, लेकिन फिर भी उनका जो वीडियो यहाँ पर ट्रेंडिंग सेक्शन में नहीं गया। इसी को लेकर यहाँ पर थोड़ा यूट्यूब इंडिया से नाराज थे, यहाँ पर यूट्यूब इंडिया को उन्होंने टैग भी किया था। एंड सो अगली अपडेट भी मनोज जय के बारे में। तो मनोज जय ने शादी कर लिया, आप में से काफी सारे लोगों पिछली वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर किया था। एंड इसी को लेकर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट किया था, एंड उसी फोटो के नीचे यहाँ पर यूट्यूब इंडिया ने बेस्ट विशेष देकर ट्वीट किया था, जो कि आप देख ही सकते हो। इसके ऊपर मनोज जय ने भी रिएक्ट किया, यहाँ पर लिखा, शादी वाले पोस्ट में यूट्यूब ने भी कमेंट कर दिया, बेस्ट गिफ्ट था। सो बस सर आज के लिए इतनी अपडेट थी, आई होप कि वीडियो आपको सही लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा देना लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों साथ इस वीडियो को शेयर करना। ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोल।